हैरी मेरा बचपन का दोस्त और मैं आया हूँ इसके पास इस वक्त जयपुर में। मैं आ चुका हूँ इस वक्त हैरी के फ्लैट में और हम दोनों ने अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए पोहा बनाया है जो कि दिखने में तो काफ़ी स्वाद लग रहा है। अब पोहा ज़रा टेस्ट करने की बारी है। दिखने में तो टेस्टी दिख रहा है बट मुझे नहीं पता था कि इसने पोहा में चीनी मिला दी है और वो पोहा का टेस्ट सारा ख़राब हो चुका है जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो वेलकम बैक गाइज, मैं आ चुका हूँ इस वक्त जयपुर अपने फ्रेंड के घर, अपने फ्रेंड के फ्लैट में। हैरी मेरा बचपन का दोस्त है जो कि यहाँ पर रहता है। ये हैरी कितने साल पहले तू शिफ्ट हो गया सिकोरे? मुझे 8 साल हो गए। 8 साल हो गए जब 8 साल पहले ये शिफ्ट हो गया था यहाँ पर और यहाँ पर ये अपना काम कर रहा है। सो कल इसकी कॉल आई मुझे कि मैं बोर हो रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है और अगर तू आ सकता तो देख ले। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही था कि अभी अप डाउन्स चल रहे हैं लाइफ में, तो मैंने सोचा कि चलो इसके बाद जयपुर जा जाता हूँ और थोड़ा सा मूड भी सेट हो जाएगा। अब मैं आ चुका हूँ जयपुर, आज सुबह 5 बजे मैं पहुँच गया था, रात को 8:30 बजे अम्बाला से ट्रेन पकड़ ली थी और इस वक्त मैं हूँ जयपुर में। एंड प्रोग्राम हमारा ऐसा बन रहा है कि हम तैयार तो हो चुके हैं, अभी कोई सीन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि हमने क्या करना है, कहाँ जाना है। मुझे नहीं पता ये ब्लॉग कैसा होगा बट अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। यहाँ पर बारिश हो रही है यार सुबह से और अब पता नहीं ये कैमरा में आप लोग को दिखेगा कि नहीं बट ये बिल्डिंग्स में देख सकते हैं। देखो बारिश हो रही है, वो देखो तो यहाँ पर बारिश हो रही है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं बस कि जैसे भी करके हम ये बारिश रुके तो हम निकले यहाँ से। तो फाइनली हम निकल चुके हैं, अब बाहर धूप निकल आई है भाई, मौसम का कुछ पता नहीं लग रहा है यहाँ पर कि बारिश हो रही है। फिर सुबह से बारिश हो रही थी, धूप निकली है, बादल हुए पड़े ऊपर और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ज़्यादा ठंड महसूस नहीं हो रही है। मैंने गलती कर दी, मैंने पहले हुडी पहनी थी फिर अब ये जैकेट पहन ली, मुझे लगा कि शायद ठंड होगी बट गर्मी महसूस हो रही है और अंदर ये टी शर्ट ही पहनी हुई है। मौसम बहुत सही है यहाँ पर। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं गुरुद्वारा साहब, अरे कड़े गुरुद्वारा जा रहे हैं, राजा पाक गुरुद्वारा साहब जा रहे हैं हम। तो ये कहता कि बहुत टाइम हो गया ये भी नहीं गया और गुरुद्वारे में भी नहीं गया बहुत टाइम से, पटियाला में भी नहीं जा पा रहा था, तो चलो यहाँ पर देखते हैं माता, सीधा आपको वहीं पर मिलते हैं। गुरुद्वारे साहब जी के हमने दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं, देख प्रसाद मिला, साथ में बर्फी मिली, आनंद आ गया माथा टेक के, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत टाइम बाद आज गुरुद्वारे साहब हमने आए हैं। हरी हूँ कितने जा रहे हैं आप? देखते हैं आप म्यूजियम वाल चलते हैं। कैटा म्यूजियम? अल्बर्टो हॉल MI रोड, मतलब उस चीज की है उधर MI रोड निकल जाएंगे। नहीं अल्बर्टो हॉल से है कि म्यूजियम है मसाला चौक है, कुछ खा पी लांगे यार, भूख लग रही है ना। चलो टाइम भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, 3:30 हो चुके हैं, खाया भी नहीं है, लंच भी नहीं किया अभी तक। आज इतनी तेज़ी में ये प्रोग्राम मेरा इतना, मतलब आज तक कोई भी प्रोग्राम मेरा इतनी तेज़ नहीं बना जितना ये बना है जयपुर का। सिर्फ 1 घंटे के बीच में कॉल आई इसकी और मैं फटाफट जयपुर आ गया, बीएड भी नहीं सेट कराई, पूरी बड़ी हुई है, बाल भी लंबे हो चुके हैं, पर कोई बात नहीं, जैसे भी हैं अच्छे हैं। हरी तेनू मतलब की रीज़न सीगा कि तेनू जयपुर इन्ना मतलब पसंद आ गया, तो वह रीज़न भी की सीगा कि तेनू पीसफुल सिटी है, ग्रोइंग सिटी है, बहुत मतलब शांतमई है जयपुर। एक गल दसदा, जयपुर जेड़ा आ गया ना, जे एक बार रह गया मतलब ऐ नहीं घूमने वास्ते नहीं, जेड़ा एक बार आ गया वो जयपुर नहीं छड़ सकता, ये तो है।
ये तो बात सही बोली है इसने कि अगर एक बार कोई जयपुर आ जाता है तो फिर वो जयपुर नहीं छोड़ सकता। इवन मेरा मैं कम से कम भी 10 से 12 बार आ चुका हूँ जयपुर, और ये अभी मैं आया हूँ तो ये आई थिंक मैं नवंबर 2022 में मेरी वो थी यहाँ पे ट्रेनिंग लगी हुई थी, तो ट्रेनिंग करके मैं यहाँ से गया था वापस, तो आज मैं 1.25 साल बाद वापस आया हूँ। बड़ा ही अच्छा हमेशा से ही जयपुर लगता है। एक तो चलो पटियाला से यार ओवरनाइट सिर्फ नाइट जर्नी की है कि रात को चलो और सुबह पहुँच जाओ, वो सबसे बेस्ट है। कनेक्टिविटी अच्छी है जयपुर की हर जगह। इवन अभी हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, वो प्लान बन नहीं रहा है, बट स्टिल हम सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं का कुछ तो प्लान करें। चलो देखते हैं। 20 रुपये की एंट्री टिकट लेकर हम आ चुके हैं मसाला चौक अपना लंच करने के लिए, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट भी है। तो खाने के लिए हमने छोले भटूरे की एक प्लेट और पाव भाजी की एक प्लेट ले ली है। टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है, फिर आपको बताते हैं रिव्यू। आज अजीब ही मौसम हुआ पड़ा है, खाना खाने लगे तो सारा वो हो गया अपना, बारिश होने लग गई, और फिर उठा के फिर हम लोग अपना ये प्लेट वगैरह किसी और जगह बैठे, अब खा चुके हैं। और बारिश देखो, आज मौसम का कुछ पता ही नहीं लग रहा है जयपुर के मौसम का, कभी धूप कभी बारिश। सब यहाँ पर मुझे टिकटॉक की याद आ रही है, लोग पीछे डांस कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। आज टिकटॉक वाला मुझे 2018-19 का फीवर याद आ गया। यहाँ पर बहुत सारे मतलब यार सेलिब्रिटीज जो बनने वाले इन्फ्लुएंसर, अपकमिंग इन्फ्लुएंसर सभी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो फोटो शूट हो गया, 4000 फोटोज खींची हैं जिसमें से 3999 फोटोज हमने डिलीट कर दिया। और खैरी अब कहाँ जा रहे हैं हम? हम जा रहे हैं MI Road। MI Road उत्ते की है लस्सी, लस्सी पीण, मतलब फेमस है उत्ते की लस्सी की, क्या केसर की लस्सी, केसर की लस्सी, केसर की लस्सी या नॉर्मल लस्सी, रावत की कचौरी। अच्छा, और नॉर्मल खाना पीना, दाल बाटी चूरमा, LMB, लक्ष्मी मिष्ठान भंडार। नहीं फिलहाल अपन लस्सी पीण से की लस्सी एंड कचौरी, तो लस्सी और कचौरी, अभी हम प्याज कचौरी खाने जा रहे हैं। हैरी ही हमें लेके जा रहे हैं, मुझे वैसे पता तो है पहले भी कि पहले ये सब चीज़ें मैं आया हुआ हूँ, खाया हुआ हूँ, बट लस्सी का ये कह रहा है कि एक फेमस जगह, तो वहाँ पर जाके अभी लस्सी पी लेते हैं। चलो देखते हैं वहाँ पर जाकर। भाई साहब हम निकल गए हैं यहाँ से, मोमोज हमने पैक करा लिए हैं, और जगह थी नहीं यहाँ पर इतना, एक तो रश बहुत ज़्यादा संडे के कारण, ऊपर से बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, कॉन्टीन्यूसली हो रही है देखो अभी भी। तो अब घर जा रहे हैं, बस वहीं जाकर अब खाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या प्रोग्राम है। प्रोग्राम वैसे वापसी का ही है मेरा कल का, वो भी शाम का, और अगर नहीं हुआ तो फिर एक दो जगह का प्लान बना है, पर वो अभी डगमगा रहा है प्लान, तो रात को ही पता लगेगा कि क्या सीन है। हम वापस आ चुके हैं अपने फ्लैट में, जो भी करना था बस थोड़ा बहुत काम चले गए थे, हैरी के काम से हम लोग बाहर थे, तो अभी 3-4 घंटे वहीं पर लग गए हैं। अभी टाइम हो चुके हैं 10:45, और कल की मैंने वापसी की टिकट करा ली है, अब लगे हैं थोड़ा सा सोने,
खा पी के हम ऑलरेडी बाहर से आए थे, चाय बस अभी पीने वाले हैं, चाय बनाने लगे हैं, तो बस चाय पी के उसके बाद और कोई काम बचा नहीं है अब। और कल सारा दिन घर में रहना, तो कुछ रिकॉर्ड हो पाएगा तो मैं कर लूँगा, अदरवाइज और तो कुछ रिकॉर्ड करने के लिए है नहीं। और आगे धीरे धीरे अभी ठीक है सीख रहे हैं, जैसे भी व्लॉग बन रहे हैं चाहे एक ही किस्म के बन रहे हों अभी, बट कोशिश करूँगा आगे की और कुछ अच्छा दिखाने के लिए, क्योंकि इंसान धीरे धीरे ही सीख पाता अपने काम से। तो अब इस लाइन में आए तो ज़रूर हम इसको और अच्छा और बेहतरीन बनाएंगे। और एक चीज़ और कि मैं प्रॉमिस तो नहीं करता पर मैं ट्राई करूँगा कि मैं जितना ज़्यादा हो सके और आपको अच्छे कंटेंट दिखा सकूँ। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा और अच्छे कंटेंट्स आने में, क्योंकि उसके लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, और जब आप जॉब में होते हो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है छुट्टियां लेना या कुछ है। तो जो भी मुझे एक या दो छुट्टी मिलती है तो मैं आसपास कहीं भी निकल जाता हूँ, तो उससे क्या होता है कि मूड रिलैक्स भी हो जाता है, प्लस कंटेंट भी मिल जाता है थोड़ा बहुत घूमने का। तो आगे से यही कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छा और अच्छा बना सके, और थोड़ा लॉन्ग ट्रिप का एक अच्छा व्लॉग, मतलब वो पार्ट में मैं आपको दिखा सकूँ, पार्ट वन पार्ट टू करके, जैसे ऋषिकेश का बनाया था। सो ट्राई करेंगे अब से, पूरी कोशिश करेंगे, ट्राई तो क्या पूरी कोशिश ही करेंगे कि अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट बना के मैं अपने चैनल में डालूँ और आपको प्रोवाइड कर सकूँ। सो तब तक बाय बाय। बस मैं निकल रहा हूँ अब यहाँ से, अभी तो बजे वैसे दो, ट्रेन तो है मेरी 8:30 की, 6 घंटे हैं, एक काम करके आना उसमें ही हमें 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। टी शर्ट में आ गया हूँ यार क्योंकि गर्मी बहुत है, जैकेट उठा लिया मैंने, पहनूंगा नहीं इसे अभी, लगेगा जब ज़रूरत पड़ेगी तब पहन लूँगा, अदरवाइज नहीं। बस अब सीधा आपको अगर कुछ लगेगा यार दिखाने वाला तो दिखा दूँगा, अदरवाइज़ ये व्लॉग इतना सही है, छोटा सा, और मैं कपड़े ज़्यादा लेके भी नहीं आया था, वैसे भी प्रोग्राम तो बन रहा था हमारा कहीं और का, पर मेरे पास एक ये टी शर्ट थी, एक वो डार्क पर्पल जो थी जो मैंने कल पहनी थी वही थी टी शर्ट, और तो कुछ है भी नहीं अब। चलो अब कहीं मिलता हूँ, अगर कुछ दिखाने वाला होगा तो मैं आपको दिखा दूँगा। शाम के बज चुके हैं 3:30 रह गए हैं, सारे काम काज हो गए हैं, एक काम था कुछ ज़रूरी काम से मुझे बाहर भी जाना था, तो थोड़ी सी बीएड भी सेट करा ली, एंड आज के सारे काम हो गए हैं, कहीं गए नहीं घूमने फिरने, इसलिए कुछ दिखाने के लिए था नहीं। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, आपको मिलते हैं सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो, एंड अगर आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो, छोटी सी कोशिश पसंद आई हो, तो ये ज़रूर आप इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और आज का ब्लॉग बस यहीं पर ख़त्म होता है, ज़्यादा कुछ था नहीं दिखाने के लिए, कल सारा दिन बारिश होती रही यार, तो कल भी बस जो भी आपने देखा इतना ही था, एंड मिलते हैं, बाय बाय।